कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन बेहद चिंतित है। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर मंदिरों और मस्जिदों के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों की उपायुक्त सोलन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों का आंकड़ा मीडिया के समक्ष रखा और कहा कि अगर समय रहते कोरोना पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जिला में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों, नवरात्रों और मस्जिदों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जिसका अनुसरण अगर नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के नियमानुसार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने की आवश्यकता नहीं है, वे घर पर ही पढ़ी जा सकती है, इसलिए ज्यादा लोग मस्जिदों में एकत्रित ना हो। वहीं मंदिरों में लोग माथा टेकने तो आ सकते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह के प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या किसी अन्य धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का भंडारा नहीं लगाया जा सकता है। जागरण, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान, राजनीतिक कार्यक्रम सभी पर पूर्ण पाबंदियां लगा दी गई हैं। नवरात्रे और हिंदू नववर्ष शुरू हुआ, नवरात्रे भी शुरू है। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार के जो रिलीजियस, कल्चरल और दूसरे जो और पॉलिटिकल फंक्शन सब सब पे बिल्कुल बैन है। मंदिरों में आवाजाही सिर्फ इतनी रही, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और वहाँ पे सेंक्टर सेंक्टोरम तक देख जा तक जा सकते हैं और उसको दर्शन करके बिना चढ़ावे के, बिना किसी प्रसाद का वितरण वहाँ पे नहीं होगा, उसके आप दर्शन कर सकते हैं और फिर उसके सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही वहाँ पे जाएंगे और आएंगे। इसी प्रकार सभी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है। मस्जिद में नमाज का ये है, नमाज ये भी घर घर में बैठ के अपना नमाज करें, अकारण भीड़ मस्जिदों में ना हो, चाहे आगे ये समय हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सब डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का आ रहा है। तो और हमारा पूरा ये फोकस ऑन सैम्पलिंग के हैं, हमारे सैम्पलिंग काफ़ी बढ़ा रहे हैं, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज़ी से हो रही है और इसके तहत हमारा ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इस पे हमारा जोर है और इसी के तहत हम पूरी संभावना है कि वी विल बी एबल टू कंटेन द कोरोना।